किस सोच में उलझे हुए हो मेरे भाई? यार मेरे दिमाग में एक बात चल रहा है कि फिल्मों में डबल रोल किस तरह से शूट किया जाता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो कैसे? अलग अलग सीन शूट करो, वीडियो मिक्स करो, बन जाता डबल रोल। तुम तो ऐसा कह रहे हो यार जैसे तुम इस मामले में बिल्कुल एक्सपर्ट हो। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, ये जैसा कह रहे हैं वैसा करके देखते हैं। चलो मैं सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों हम वेगास प्रो नामक वीडियो एडिटर को अपने लैपटॉप या पीसी में ओपन करते हैं और इसके मेन विंडो के आने का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों वेगास प्रो हमारे सिस्टम में पूरी तरह से खुल चुका है, तो हम अब उस लोकेशन पर जाते हैं जहां हमारे वीडियो के फाइल्स लोकेटेड है और वहां से हम अपने वीडियो फाइल्स को वेगास के टाइमलाइन में लेते हैं। हम अपने दोनों फाइल्स को टाइमलाइन में ले लिए हैं दोस्तों, और अब हम अपने इस फाइल में जो ऑडियो है उस ऑडियो को नॉर्मलाइज करने के लिए राइट क्लिक करके नॉर्मलाइज को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। इससे ये ऑडियो नॉर्मलाइज हो जाएगा। वेगास प्रो में ये एक बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों, जिसमें आप ऑडियो को फाइनल रेंडर से पहले इम्प्रूव कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप वेगास प्रो के इस प्रोजेक्ट फाइल को सिस्टम के किसी भी लोकेशन पर सेव कर लीजिए। मेरी केस में मैं इस प्रोजेक्ट फाइल को वीडियोस के फोल्डर में सेव कर रहा हूं। दोस्तों यहां आपको दोनों रोल्स के वीडियोस को मर्ज करना है, जिसके लिए आपको पहले वीडियो में ध्यान देकर ये देखना है कि इस वीडियो के किस पार्ट में आप डबल रोल की एंट्री चाहते हैं। यहाँ हम राइट क्लिक करके ट्रिम स्टार्ट को सेलेक्ट करते हैं, जिससे हम इस वीडियो के उस पार्ट को रिमूव कर सकें जो हमारे काम का नहीं है। यहाँ हमें राइट क्लिक करके एक और वीडियो ट्रैक को इंसर्ट करना होगा, जिस पर हम अपने डबल रोल के वीडियो को प्लेस कर पाएं। अब इस वीडियो की ट्रैक को ऊपर और ऑडियो की ट्रैक को नीचे की ओर ड्रैग कीजिए। अब हमें इस वीडियो को ड्रैग करके पहले वीडियो के उस पार्ट पर ले जाना होगा जहां डबल रोल की एंट्री पहले रोल के एक्सप्रेशन के साथ परफेक्टली मैच हो जाए। थोड़ी बहुत कोशिश के बाद जब आप दोनों वीडियोस की परफेक्ट मैचिंग कर लेंगे, तो आपको राइट क्लिक करके डबल रोल वाले वीडियो में से उस पार्ट को रिमूव कर देना होगा जो आपके काम का ना हो। अब इन दो वीडियोस को मैंने कुछ इस तरह से प्लेस किया है दोस्तों कि दोनों रोल्स के डायलॉग्स परफेक्टली मैच हो रहे हैं। किस सोच में उलझे हुए हो मेरे भाई? यार मेरे दिमाग में एक बात चल रहा है कि फिल्मों में डबल रोल किस तरह से शूट किया जाता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोस्तों अब इन दोनों रोल्स की विजिबिलिटी के लिए आपको इवेंट पैन क्रॉप टूल को सेलेक्ट करके मास्क वाला जो बटन है उसको एनेबल करना होगा, और यहाँ से रेक्टेंगल टूल के ज़रिए आपको रेक्टेंगल कुछ इस तरह से बनाना होगा कि दोनों रोल्स इजीली विजिबल हो जाए। अब अगर ध्यान देते हैं दोस्तों तो ये दोनों ही रोल्स बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब इस रेक्टेंगल का फेदर जो कि नन है उसे हमें बोथ कर देना है और फेदर परसेंटेज को 10 रखना है। दोस्तों डबल रोल की वीडियो एडिटिंग का कार्य यहाँ समाप्त हुआ है, और अब हम इस फुटेज को फाइल में जाकर रेंडर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस फुटेज का कोई अच्छा नाम सेलेक्ट करके इसे हम अपने कंप्यूटर के किसी भी डेस्टिनेशन में सेव कर लेंगे। और जैसे ये कार्य हो जाता है तो हमारा ये वीडियो तैयार हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।